पेरिस से टोक्यो जाने वाले जापानी एयरलाइन की जहाज के पायलट को परवाज के दौरान फाली झटके आने पर बेहोशी का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में तैयारी को रूस में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। जापान की अवजार ट्रांसपोर्ट के मुताबिक जापान के अल्युकोन एयरवेज के परवाज ड्रीम लाइनर के जरिए पेरिस से टोक्यो के हेंडा एयरपोर्ट के लिए जा रही थी। कप्तान को फाली झटके के बाद बेहोशी का सामना करना पड़ा है। परवाज के फर्स्ट अफसर ने हंगामी सूरतेहाल का ऐलान किया और परवाज का रुख करीबी हवाई अड्डे के तरफ मोड़ने का फैसला किया। जहाज में अमले की सिर्फ 7 अरकान सवार थे, जिसके बाद तैयारी को रूस की नोवोसिबिर्स्क एयरपोर्ट के तरफ मोड़ दिया गया और फ्रांस से रवानगी के 7 घंटे 8 मिनट बाद ANA के परवास ने मेडिकल बुनियादों पर महफूज रेडी की, जबकि कप्तान को मशतबा स्ट्रोक के सबब अस्पताल मुंतकल कर दिया गया।